Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see how can we integrate Google Authentication. तो हम लोग देखेंगे कैसे एक Angular application में हम लोग Google login लगा सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम login पेज पर एक Google बटन देंगे login करने के लिए, और फिर उसको हम अपने Google application से कनेक्ट करेंगे. और जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो एक पॉपअप आएगा, और यूजर जैसे ही उस पॉपअप पे लॉगिन करेगा हमें एक आईडी टोकन मिलेगा, और उस आईडी टोकन को हम वैलिडेट करेंगे अपने .NET की बैकएंड प्रोजेक्ट पर, और यूजर की इंफॉर्मेशन फेच करेंगे. वैसे तो हमें उस आईडी टोकन से यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ भी पता चल जाएगी फ्रंट एंड पर भी, बट बेस्ट अप्रोच होती है कि हम उस आईडी टोकन को वेरीफाई करें कि ये गूगल से ही रिप्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें हमारा जो पहला स्टेप होगा, हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे गूगल के लिए. हमने पहले ये जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये हमारे कार्ड ऑपरेशन का एप्लीकेशन है जिसमें हमने लॉगिन इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है. तो एक बार मैं आपको लॉगिन पेज दिखाता हूँ. इस लॉगिन पेज पे जब यूजर लॉगिन करता है तो अभी इस एप्लीकेशन में लॉगिन हम ईमेल और पासवर्ड की हेल्प से कर रहे हैं. अभी इसमें हमको गूगल लॉगिन क्रिएट करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एक हम गूगल लॉगिन पेज बनाएंगे. तो अपने प्रोजेक्ट में हम लोग आ जाते हैं, हम यहाँ एक कंपोनेंट बनाएंगे ng जनरेट कंपोनेंट. कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक गूगल लॉगिन नाम से पेज बनाएंगे, और हमारा कंपोनेंट जैसे ही क्रिएट होगा हम इसकी राउटिंग सेटअप करेंगे. तो अभी हमारा लॉगिन पे लॉगिन कंपोनेंट ओपन होता है. सेम एंटिटीज हम क्या करेंगे, गूगल लॉगिन या यू सोशल, ओके गूगल लॉगिन बिकॉज वी आर गोइंग टू सी ओनली गूगल लॉगिन, तो गूगल लॉगिन ही लगा ले. यूजर URL का नाम रखते हैं गूगल लॉगिन, और यहाँ हमारा कंप्लेंट होगा गूगल लॉगिन. एक बार इसको रन करते हैं ng serve, अपने गूगल लॉगिन पेज पे जाते हैं, हमारा ये राउटिंग वर्क कर रही है. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम एक कार्ड लॉगिन कार्ड बनाएंगे सेम जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है. तो उसके लिए हम सेम HTML कॉपी कर लेते हैं, राइट. यहाँ हमारा फॉर्म नहीं होगा और हमें मैट कार्ड मॉड्यूल इंपोर्ट करना है. मैट कार्ड मॉड्यूल हम ये यूज कर रहे हैं लॉगिन विथ गूगल, इसकी हेडिंग रख देते हैं इस फॉर्म इस कार्ड की. एक बार अपना UI देखते हैं, इट्स लुक लाइक दिस. अब हमें यहाँ गूगल लॉगिन इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मैं जो लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ एंगुलर सोशल लॉगिन, ये लाइब्रेरी है मैं यूज कर रहा हूँ. तो इसको हम npm में ओपन कर लेते हैं. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. हम सबसे पहले हम कमांड को रन करते हैं, ये हमारा npm पैकेज को इंस्टॉल कर देगा. package.json में चेक करते हैं एक बार. इसने हमारा npm पैकेज को इंस्टॉल कर दिया. नेक्स्ट स्टेप हमारा होना है हमको सोशल लॉगिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है अपने ऐप मॉड्यूल फाइल में. बट हम लोग एंगुलर 17 यूज कर रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मॉड्यूल नहीं है. हमारे पास app.config फाइल है, यहीं पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइड सोशल
नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें सोशल लॉगिन को प्रोवाइड करेंगे अपने एंगुलर में। तो यहाँ पे इन्होंने ऐप मॉड्यूल में कर रखा है, जबकि हम एंगुलर 17 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐप डॉट कन्फिग फाइल है, तो हम इसको अपने ऐप डॉट कन्फिग फाइल में प्रोवाइड करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, और ये फेसबुक का इंटीग्रेशन है, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें फेसबुक वाला पार्ट नहीं करना है अभी। और ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हमको अपने लॉगिन पेज पर गूगल बटन को शो करना है। उसके लिए हमें ये टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गूगल बटन देंगे, टाइप हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें हमें इंपोर्ट करना है गूगल लॉगिन मॉड्यूल, आई थिंक ये गूगल साइन इन बटन, गूगल साइन इन बटन मॉड्यूल, वी नीड टू इंपोर्ट इट। नाउ लेट्स रन द प्रोजेक्ट, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। हमारी गूगल लॉगिन बटन आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम ऑथ सर्विस को यूज करेंगे। जब हमारा यूजर इसको साइन इन पे क्लिक करेगा तो हमें कॉल बैक प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए हमें ये सोशल ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करना है, तो इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। एनजी ऑन यूनिट पर हम इस सोशल ऑथ सर्विस को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस सर्विस में हमारे पास एक ऑथ स्टेटस है, ये ऑब्जर्वर टाइप का है, इसको हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जब भी यूजर लॉग इन लॉग आउट होगा ये हमें वैल्यू स्ट्रीम करेगा, इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। इतना पार्ट हमारा हो गया, अब देखते हैं इसको रन करके। जैसे हम यूजर को क्लिक कर रहे हैं इस पे कुछ ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसको हमने किसी रियल एप्लीकेशन गूगल एप्लीकेशन से मैप नहीं किया है। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, हम चलेंगे console.cloud.google.com पे। यहाँ आप हम जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट, लॉगिन, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ लॉगिन रड एंगुलर। अब प्रोजेक्ट हमारा बन गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, बाद हम लोग जाएंगे APIs एंड सर्विसेस में। उसके बाद हमारा स्टेप होगा, हम ऑथ कंसेंट स्क्रीन फॉर्म जो है इसको फिल करेंगे। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका, इसमें आपको एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इंटरनल इसको टेस्ट नहीं करेंगे, बाहर के लोग भी इसको टेस्ट कर सकें, इसलिए एक्सटर्नल सेलेक्ट करो।
इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ लॉग इन प्रोड एंगुलर। आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी। एंड यू कैन क्लिक ऑन सेव, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू बैक टू डैशबोर्ड। जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारा ये इन डेवलपमेंट है, जब आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे तो आपको ये ऐप पब्लिश करनी पड़ेगी। तो अभी टेस्टिंग मोड में आपने जो जो यूजर इसमें ऐड किए हैं, तो मेरा यही वाला यूजर, ये ईमेल आईडी जिससे मैंने ये बना रहा हूँ, ये इसमें साइन इन कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। अगर आपको करना है किसी और ईमेल आईडी को भी अलाउ करना है, तो आप यहाँ पे एज ए टेस्ट यूजर उनको ऐड कर सकते हो। बट जब आप अप्लीकेशन को पब्लिश कर दोगे, तो फिर कोई भी टेस्ट कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है लॉग इन। हमने एक वेब ऐप बना लिया है कंसेंट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्रेडेंशियल क्रिएट करने का। उसके लिए हमको क्रिएट क्रेडेंशियल में ओऑथ क्लाइंट आईडी जनरेट करनी है। इसमें वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसे एंगुलर वेब एप्लीकेशन में भी यूज करने जा रहे हैं। इसमें आपको एक यूआरएल अलाउ करना है। ये यूआरएल होगा जो हमारा हमारे प्रोजेक्ट का यूआरएल है। तो हमारा प्रोजेक्ट यूआरएल ये है, तो हम इसको ऐड करेंगे। जैसे आपने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया, तो आपका कोई डोमेन होगा, तो आप वो डोमेन ऐड कर सकते हो, और बस आप इसको सेव कर लो। जब आप इसको सेव कर लोगे, तो आपको एक क्लाइंट आईडी मिलेगी। इस क्लाइंट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, और अपने प्रोजेक्ट में आना है, जहां हमने प्रोवाइड किया था वहां पे एक क्लाइंट आईडी का ऑप्शन है। यहां पे हमें क्लाइंट आईडी अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमने गूगल लॉगिन प्रोवाइडर में क्लाइंट आईडी प्रोवाइड कर दी है। यहाँ हमें एक ऑप्शन सेटिंग हमें प्रोवाइड करनी है, वो है ऑन टैप फॉल्स एंड प्रॉम्प्ट, इसकी वैल्यू कंसेंट रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, एवरी टाइम यूजर क्लिक्स ऑन लॉगिन देयर विल बी अ पॉपअप। बिना पॉपअप के लॉगिन ऑटो लॉगिन नहीं होगा। ओके, अब चेक करते हैं। सम प्रॉब्लम, लेट्स चेक कंसोल। आई थिंक नॉट ओरिजिन नॉट अलाउड। एक बार चल के हम अपने वेब प्रोजेक्ट में, गूगल वेब प्रोजेक्ट में ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन तो हमने सही डाला हुआ है। आई थिंक यस यस वी हैव टू इंक्लूड, हमको बिना पोर्ट नंबर के भी डालना पड़ेगा। तो ये दोनों ओरिजिन आपको डालने पड़ेंगे, लोकल होस्ट एंड विद द पोर्ट। ये डेवलपमेंट के लिए है, जब आप अपने लोकल मशीन पे डेवलपमेंट करेंगे। जब आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देंगे, तो आप अपना डोमेन यहाँ पे डाल सकते हैं, कोड विथ वेद डॉट कॉम समथिंग लाइक दिस विद https https वट एवर यू हैव। अब एक बार सेव करते हैं, अब देखते हैं के बाद शुड वर्क। रिलोड करते हैं। ये चल तो गया है, ये लॉग इन हुआ है, बट यहाँ पे हमने कंसोल करा रखा है, कंसोल प्रिंट होना चाहिए। गूगल लॉग इन कम्पोनेंट पे चलते हैं। यस, हमने करा तो रखा है। ओके, या प्रॉब्लम इस एन जी ऑन इन इट टाइपो, इसमें स्पेलिंग गलत थी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे हम लॉग इन करेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। तो हमें यहाँ पता चल गया यूज़र का नाम क्या है जिसने लॉगिन किया है। हमें एक आईडी टोकन मिल गया, और बाकी उसकी और भी चीज़ें मिल गई, राइट। ईमेल मिल गया, फोटो यूआरएल मिल गया। तो हम यहाँ यूज़र को लॉगिन होता हुआ दिखा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे हमें आईडी टोकन मिला है नेम, इसको हम यहाँ एक नेम में सेव करा लेते हैं।
name to result dot name. हमने जो भी यूज़र का नेम है उसको एक प्रॉपर्टी में स्टोर करा लिया है और इसको हम यहाँ टेम्पलेट में दिखा सकते हैं. इसका मतलब हुआ जब भी हमारे पास नेम में कोई भी वैल्यू हुई इसका मीनिंग ये हुआ कि यूज़र लॉग्ड इन है. तो हम यहाँ पे यूज़र का नाम दिखा सकते हैं हाय नेम इल्स. जो एट द रेट इफ और एट द रेट इल्स है ये एंगुलर 17 वर्जन में न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं. पहले इससे पहले हम लोग ng if और else यूज़ करते थे, अब हम लोग एट द रेट इफ यूज़ करते हैं. इसको एक बार फ्लो देखते हैं. जैसे यूज़र लॉगिन होगा हम उसका नेम दिखा देंगे, राइट. इसका मतलब यूज़र हमारा लॉगिन हो गया. तो ये एंगुलर एप्लीकेशन में फ्रंट एंड पर हम यूजर से लॉगिन कैसे कराते हैं गूगल, ये प्रोसेस पूरा हमने कंप्लीट कर लिया. लेकिन इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, दैट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम. हम फ्रंट एंड पे जो भी रिस्पांस हमें मिल रहा है इस पे हम पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट इंजेक्शन या टेम्परेरी स्क्रिप्ट इंजेक्शन से ये रिस्पांस मॉडिफाई किया जा सकता है. तो हम इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते. तो हमें क्या करना है, हमें जो ये आईडी टोकन मिला है इसको हम किसी भी सर्वर से वेरीफाई करेंगे. तो हमारा जो भी बैकएंड सर्वर है उसको हम ये आईडी टोकन देंगे और उससे बोलेंगे कि इसको भाई वेरीफाई करो और मुझे डेटा दो. तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें सर्वर पे इस आईडी टोकन जो ऑथ टोकन मिला है गूगल से उसको वेरीफाई करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने बैकएंड प्रोजेक्ट पे चलेंगे जो कि हमारा .NET कोर API प्रोजेक्ट है. इसमें हम अपने ऑथ कंट्रोलर में चलेंगे. तो यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन मेथड बना रखा है जो कि ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करता है. अब हमें यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाना है जो आईडी टोकन को वेरीफाई करे और टोकन जनरेट करे. तो हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और एक नया मेथड बनाते हैं, वो होगा हमारा गूगल लॉगिन. ये मॉडल भी हम एक नया बना लेते हैं. गूगल लॉगिन DTO और उसमें हम यूजर से लेंगे क्या आईडी टोकन. यहाँ पे हम इसको गूगल लॉगिन चेंज कर देते हैं और यहाँ से अभी के लिए हम ओके रिटर्न कर देते हैं. अब हमारा यहाँ पे जो स्टेप्स है वो हम यहाँ से आईडी टोकन उठाएंगे. आईडी टोकन और इसको वेरीफाई करेंगे गूगल से. बट उसे वेरीफाई करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है गूगल की, वो हम इंस्टॉल करेंगे नूगेट से. लाइब्रेरी का नेम है गूगल ऑथ API. ये हमारी वो API है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं. प्रोजेक्ट फाइल में चलते हैं, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया. अब अपने कंट्रोलर में चलते हैं और इस लाइब्रेरी को यूज़ करके इस टोकन को हम वेरीफाई करते हैं. तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन में क्लास मिलेगी, उसका यूज़ हम करेंगे और उस क्लास का नाम है गूगल जेसन वेब सिग्नेचर और इसको वैलिडेट करेंगे. इसमें आईडी टोकन प्रोवाइड करेंगे और हमें एक वहाँ से रिजल्ट मिलेगा. इसको अवेट करेंगे, हमें ये जेसन पेलोड मिल गया. अब एक चीज़ और इसमें है, इसमें एक ऑप्शन है जेसन वेब सिग्नेचर वैलिडेशन सेटिंग, ये प्रोवाइड करेंगे. इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेटिंग नाउ न्यू गूगल वेब सिग्नेचर डॉट वैलिडेशन
सेटिंग, इसमें हम ऑडियंस क्या ऐड करेंगे, हमारी क्लाइंट आईडी है वो डालेंगे। तो क्लाइंट आईडी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं यहाँ, और ये हमारी क्लाइंट आईडी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस सेटिंग को हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। उसके बाद जब हमें यहाँ रिटर्न होगा तो इस रिज़ल्ट में हमें वो सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, लाइक ईमेल क्या है, पिक्चर क्या है, ईमेल वेरीफाइड है या नहीं, नेम क्या है, गिवन नेम क्या है, राइट। तो हम, अगर आपको याद हो मेरे प्रीवियस वीडियो में जब हम लॉग ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर रहे थे, जब हमारा ये पासवर्ड करेक्ट हो रहा था उसके बाद हम एक JWT टोकन क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ हम फिर से हम JWT टोकन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईमेल जो हमें मिला है गूगल से। आपने देखा जैसे ही, अगर ये रिज़ल्ट हमारा नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आईडी टोकन है वो इनवैलिड है। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे बैड रिक्वेस्ट। और अगर हमारा रिज़ल्ट में कोई वैल्यू हुई, इसका मतलब हमारा जो आईडी टोकन वहाँ से आया है फ्रंट एंड से, वो वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करेंगे अपने एप्लीकेशन का और ये टोकन हम यूज़र को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, इसका यूज़ करके आगे की रिक्वेस्ट चलेंगी। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम इस API को देख लेते हैं रन करके। हमारे पास आईडी टोकन ये है, इसको कॉपी करते हैं, इसमें हम अपना आईडी टोकन प्रोवाइड करते हैं। रिकॉल यहाँ आ गई, हमें ये आईडी टोकन मिला, हमने सेटिंग क्रिएट की और आईडी टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ये टोकन वैलिड होगा तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। यू कैन सी कि हमारा नाम, ईमेल और आ रहा है बाकी चीज़ें। ये रिजल्ट जो है, ये आईडी टोकन हमारा वैलिड था। तो अब हम इससे क्या कर रहे हैं, एक टोकन बना रहे हैं और टोकन हम रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दे रहे हैं। ये टोकन हमें रिटर्न आ गया, जिसका यूज़ हम आगे फर्दर इसको लोकल स्टोरेज में सेव करके आगे के प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो हमारी API रेडी हो गई। तो अब इसको हम वेरीफाई करेंगे अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हम अपनी HTTP सर्विस में चलते हैं एंगुलर की। जैसे हमने ईमेल और पासवर्ड के लॉगिन के लिए बना रखा है API कॉल, वैसे ही हम गूगल के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं गूगल लॉगिन। यहाँ हमें चाहिए ओनली आईडी टोकन। और ये हमारा पाथ भी चेंज होगा, गूगल लॉगिन। और इसको हम अपने गूगल कंपोनेंट से, गूगल लॉगिन कंपोनेंट से कॉल करेंगे। जैसे जो हमने सोशल सर्विस सब्सक्राइब कर रखी है, जैसे ही हमें वहाँ से पॉपअप का रिस्पॉन्स आएगा, यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा, हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, कॉल करेंगे अपनी HTTP सर्विस को। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें अपनी HTTP सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। HTTP service.google login और इसमें हम देते हैं result.idtoken, जो हमारा आईडी टोकन है, और फिर सब्सक्राइब करेंगे रिजल्ट हमें मिलेगा सब्सक्राइब करने में।
रिजल्ट हम पहले से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हम डिफरेंट रख देते हैं। जैसे ही ये रिजल्ट हमें वहाँ से आया, अगर इस रिस्पांस में टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे टोकन को। हमारा टोकन जो है लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यूज़र हमारा लॉगिन हो गया है तो हम इसे लॉगिन पेज पे रोकेंगे नहीं, इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमें राउटर इंजेक्ट करना पड़ेगा। राउटर को नेविगेट यूआरएल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नेविगेट बाई यूआरएल, और जिस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट करना है, हमें इस यूआरएल एम्प्टी यूआरएल पे करना है रिडायरेक्ट, तो हमने यहाँ कर दिया। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम रन करके देखते हैं अपना, हम यहाँ लोकल स्टोरेज देख लेते हैं। यहाँ पहले से एक टोकन है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, कॉल जानी चाहिए सर्वर पे। देखो हमारी सर्वर पे कॉल आ गई, ये हमें यहाँ से टोकन क्रिएट करके रिटर्न करेगा और उस टोकन को हम सेव कर लेंगे ये यहाँ पे। और जैसे ही हमारा टोकन सेव हुआ, उसके बाद हमने यूज़र को रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे, जहाँ हम एम्प्लॉय की लिस्ट शो कर रहे हैं। तो हमारा ये फ्लो हो गया कम्प्लीट। तो हमने गूगल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है एंगुलर और .NET कोर प्रोजेक्ट में। अब आपको मैं एक लास्ट टिप देता हूँ। मैं 8 साल से सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्क कर रहा हूँ सीनियर लेवल पर, तो सिर्फ कोड करना नहीं आना चाहिए, अच्छा कोड भी लिखना आना चाहिए। यू हैव टू बी गुड इन दी राइटिंग गुड कोड। गुड कोड क्या होता है, वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है बैड कोड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टिप ऑफ द डे है आपके लिए। हम एक बैकएंड प्रोजेक्ट पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे बैड कोड क्या है, बैड कोड है हमारा ये पार्ट। क्योंकि मान लीजिए ये टोकन हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं, तो सेम कोड हम दो बार लिख रहे हैं, जबकि हमें कोई कोड रिपीट नहीं करना चाहिए। सपोज़ करो कि इन फ्यूचर यहाँ इस लाइन में कोई चेंज आता है, तो क्या होगा, हम यहाँ चेंज करेंगे और फिर जाके यहाँ पे भी चेंज करेंगे। होना क्या चाहिए, ये जो प्रोसेस है वो किसी एक फंक्शन में होना चाहिए जिसका हम रीयूटिलाइज कर सकें कोड। ये प्रोसेस हम पूरा कोड हम कॉपी करेंगे, एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मतलब टोकन रिटर्न करेगा, गेट GAWT टोकन। वो कोड जो रिपीट हो रहा है उसको हमने कट करके एक नए फंक्शन में डाल लिया। और इस पूरे फंक्शन की डिपेंडेंसी क्या है, ईमेल है कि भाई ईमेल चाहिए मुझे, तो आप ईमेल आर्गुमेंट में ले लो। जो टोकन बन रहा है वो रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, भैया मैं एक ईमेल मुझे चाहिए और मैं आपको टोकन दे दूंगा, आप ये फंक्शन को रीयूटिलाइज कर लो यहाँ पे, वेयर टोकन और मॉडल डॉट ईमेल। हमारा टोकन हमें मिल गया, हमने यहाँ से टोकन रिटर्न कर दिया। क्योंकि ये फंक्शन है, इसको हम रीयूटिलाइज कर सकते सेम यहाँ, जैसे यहाँ पे कर रखा है। तो इस कोड को भी हम यहाँ रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ईमेल हमारे रिजल्ट में है, रिजल्ट डॉट ईमेल, देखा। अब इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। सेम कोड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू प्लेसेस पे। तो ये हमारा डू नॉट रिपीट प्रिंसिपल है। ये मुझे अभी दिखा रहा हूँ तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये चीज़ें बहुत ही, जब आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो इंडस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप बताइए आपका फीडबैक क्या है, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लग रही है, अगर आप कोई चेंज चाहते हैं या कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछिए, एंगुलर है और .NET JavaScript से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप पूछिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और इन द एंड सब्सक्राइब करोगे नंबर बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, और वीडियोज़ बनाऊँगा।